क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट. कविता और तुम. फर्स्ट, तुम्हें किसी ना किसी बात पर उठने के मौके तो मिलते ही होंगे. आपको किसी ना किसी बात पर तो उठने के मौके मिलते ही होंगे. अक्सर तुम किस तरह की बातों पर उठती हो. अक्सर आप किस तरह की बातों पर उठते हो. उत्तर, जब हमें कोई डांट देता है. जब कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं दी जाती तो हम रूठ जाते हैं. या फिर हमें कोई हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं. माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं. माँ के अलावा तुम्हें घर में और कौन मनाता है. उत्तर, माँ के अलावा पिताजी, दादा दादी और बड़े भाई बहन मनाते हैं. हमें माँ के अलावा पिताजी, दादा दादी और बड़े भाई बहन मनाते हैं. हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं. हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो अच्छाई की जीत पर बल देते हैं. ऐसे त्यौहार के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ. ऐसे त्यौहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में अपनी कक्षा में सुनाओ. हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं. जो त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं. ऐसे ही त्यौहार में से दशहरा सबसे प्रमुख त्यौहार है. जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है. जो ये जो भगवान श्री राम है उसकी जो रावण पर जीत थी उसका प्रतीक है दशहरा. तुमने रामलीला के जारिए है या फिर किसी कहानी के जारी रामचंद्र के बारे में जानना समझागा. आपने रामलीला के जारिए या फिर किसी और कहानी के जारिए से रामलीला मेरा मतलब रामचंद्र के बारे में जानना तो समझा ही होगा. तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है. ये जो रामचंद्र थे आपको उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है. उत्तर, श्री रामचंद्र एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे. श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे. यह बातें हमें बहुत अच्छी लगती है. यही बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं. नीचे दिए गए भाव कविता की पंक्तियों में आए हैं. उन्हें छाटो. ये जो नीचे भाव दिए गए हैं वो कविता की पंक्तियों में आए हुए हैं. खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है. माँ क्या कभी खिलौने वाला साड़ी ले आता है. खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज लगा रहा था. खिलौने जोर जोर से रहा था. वह रहा पुकार. मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए. उसमें माँ की सलाह चाहिए. कौन खिलौना लेता हूँ मैं. तुम भी मन में करो विचार. माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठा आएगा. तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में. खेल खिलौने को तुम यह लिखो. खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों. गेंद, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और. मैं तो इनमें से गुड़िया और बर्तन सेट लेना पसंद करूँगी और एक गेंद. तुम अपने साथियों के साथ
कौन कौन से खेल खेलते हो आप, इनमें से भी लिख सकते हो। अब मैं अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, मैं बर्तन सेट से खेलती हूँ और गुड़ियाओं से खेलती हूँ। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखो वाक्यों में रेखिकत हिस्सों में ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। पान, पान संज्ञा। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। दिल्ली संज्ञा। मोहम्मद 5 बजे वाली बस में आएगा। 5 विशेषण। नन्नू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, बोलने क्रिया। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। दाढ़ी संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, ऊपर क्रिया विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू कश्मीर जाऊंगी, रात संज्ञा। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है, क्या आपने कभी रामलीला देखी है। रामलीला की किसी भी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करें। अब रामलीला की कोई भी एक कहानी चुनकर अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। सो फ्रेंड्स, दिस एक्टिविटी इज फॉर यू। नेक्स्ट इज कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। सो फ्रेंड्स, ये है रामायण के, रामायण, रामायण, रामायण। यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्ति का कथा से क्या संबंध है। बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र अपनी माता से दूर चले गए थे। ये जो बच्चा है वो ना अपनी माता के पास ही रहना चाहता है, और ये जो श्री रामचंद्र थे ना, वो अपनी माता से दूर चले गए थे। इस कथा के कुछ संबंधों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो इसको देख लेते हैं। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जब तपस्वी यज्ञ करेंगे, मैं ना असुरों को मार भगाऊंगा। क्या करूंगा, मार भगाऊंगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या के लिए राक्षसों का वध किया था। तुम कह दोगे वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी अपनी माता, अपने पिता माता के कहने से हंसते हंसते वन चले गए थे। सो फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज फिनिश। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।